नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में दीपावली पर्व को देखते हुए खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण झालावाड़ से त्योहारी सीजन में मावा एवं मिठाइयों की खपत में बढ़ोतरी होने के कारण बाजार में खराब पुरानी एवं मिलावटी मिठाइयों की बिक्री के बढ़ने के अंदेशों को देखते हुए विभाग द्वारा निरीक्षण व नमूनीकरण की कार्रवाई को तेज करते हुए अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद ने बताया कि इसी क्रम में आज भवानी मंडी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मावे के 3, मावा बर्फी के 3, रसगुल्ला, रबड़ी, नमकीन के कुल 8 नमूने लिए गए। त्योहारों के मद्देनजर आम उपभोक्ताओं को शुद्ध व ताज़ा स्वस्थ कर मानक स्तर की मिठाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य कारोबार कार्यकर्ताओं को मिठाइयाँ की ट्रे पर उपयोग तक तिथि लिखना अनिवार्य है, जिससे आम उपभोक्ता आसानी से मिठाई के एक्सपायरी डेट देखकर स्वयं समझकर मिठाइयों की खरीद सही तरीके से कर सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकरण ने इस बाबत गाइडलाइन भी जारी की कि अवधि पार मिठाइयां बेचते हुए पाए जाने की स्थिति में खाद्य कारोबार करता हुआ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 58 के तहत 2,00,000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। झालावाड़ विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आमजन को मतदान हेतु जागरूक करने के उद्देश्य से स्वीप अभियान के तहत गुरुवार को विकास अधिकारी कालूराम मीणा के निर्देशन में बस स्टैंड, मनोर थाना, विभिन्न चौराहों, पंचायत समिति कार्यालय परिसर के सामने मतदान जागरूकता पेंटिंग बनाई गई और साथ ही आमजन को मतदाता शपथ भी दिलवाएगी। इसके अतिरिक्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समरोल में छात्र छात्राओं द्वारा पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। पिड़ावा तहसील के कुंडला खेमराज गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। सड़क निर्माण का कार्य पूरा ना कराने पर मतदान बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिसमें बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ग्राम पंचायत खारपा कला में कुंडला खेमराज तक 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जो ठेकेदार की लापरवाही के चलते 2 सालों में भी पूरा नहीं हो सका है। मार्ग पर मिट्टी डालकर छोड़ दी गई है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। विद्यालय आने जाने वाले बच्चों, मरीजों को चिकित्सालय ले जाने वाले एम्बुलेंस चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या से कई बार ठेकेदार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का फैसला लिया है। पूर्व में भी ग्रामीणों ने गाँव में विकास कार्य नहीं कराए जाने पर मतदान बहिष्कार का निर्णय लिया था, लेकिन अधिकारियों का आश्वासन पर ग्रामीणों ने मतदान किया था, लेकिन इसके बावजूद भी गांव की समस्याएं हल नहीं हुई। ग्रामीणों ने शीघ्र ही अधूरे सड़क मार्ग को पूर्ण कराने की मांग की। मंदसौर, रेक लगने के बाद एमपी स्टेट एग्रो को कल मिला खाद, लेकिन वितरण नहीं कर सके। POS मशीन में स्टॉक की एंट्री नहीं होने के कारण खाद्य का वितरण आज लेट प्रारंभ हुआ। दूर दराज से आए किसान होते रहे परेशान। किसानों की लंबी कतारें लगने लगी। किसानों द्वारा अपनी पावती आधार कार्ड को फोटोकॉपी को जमीन पर रखकर लाइन बनाई गई। एमपी एग्रो द्वारा लाइन के आधार पर किसानों को 2 बीघा खेत पर 1 यूरिया खाद का कट्टा प्रदान किया गया। हरनौदा व सातलखेड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष कुमार सजोतिया के जनसंपर्क के दौरान ग्रामवासियों द्वारा स्वागत किया गया। सजोतिया ने संबोधित करते हुए कहा कि गत वर्ष क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलें खराब हो जाने से बिना सर्वे के कमलनाथ ने किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली थी एवं किसानी खेत के बिजली के बिल 3 हॉर्स पावर 5 हॉर्स पावर बिजली मुफ्त दी जाएगी। वचन पत्र के अनुसार नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। घरेलू बिजली का बिल 100 यूनिट माप 200 यूनिट हाफ। ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने के लिए कमलनाथ सरकार राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये के वचन दिया है। मंदसौर में संजीत नागा रेलवे ओवर ब्रिज का काम चालू है और जिस गति से ब्रिज का कार्य चल रहा है उससे लग रहा है कि दीपावली पर्व के ही पूर्व ब्रिज का आम आदमी के लिए आवागमन हेतु चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि रेलवे पटरी पार अनेक कॉलोनियों में हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं और कई लोग गांव में बसे हुए हैं। आने जाने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें मंदसौर शहर में आने के लिए अभिनंदन होकर जाना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर चंद्रभान दुबेला के अनुसार दीपावली तक लगभग कार्य पूर्ण तो नहीं होगा, लेकिन आने जाने के लिए आम जनता के लिए मार्ग जरूर खोल दिया जाएगा। मंदसौर नगर पालिका के सफाई कर्मियों की लचर व्यवस्थाओं के चलते नरसिंहपुरा वार्ड नंबर 36 में आए दिन नाला जाम होता रहता है, क्योंकि सफाई कर्मियों द्वारा नाले से गाद नहीं निकल जाती। इस कारण धीरे धीरे नाला गाद से भर जाता है और नाले का गंदा पानी ओवर फ्लो होकर सड़क पर फैलने लगता है। आज भी नाला जाम होने के कारण सड़क पर गंदा पानी बहने लगा। जब इस बात की सूचना नगर पालिका के कर्ण धारकों को दी गई, कहीं जाकर सफाई कर्मियों की टीम पहुंची और नल से खाद निकाल कर नाले को चालू किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी बहानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस हमारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करो। गांव वालों, मैसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट टूट गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मैसी में है चार तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। टाइप पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? नहीं नहीं। मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।